बसते हैं। चलो ठीक है जी, बहुत हाँ शुक्रिया, जा सकते हैं आप, सुना नहीं करनी तो कार्रवाई करेंगे जिनके खिलाफ जो भी है। अम्मा जी मैं आपको बुलाता हूँ, मैं करता हूँ 15 दिन के बाद फिर वही गांगा बचिया के छेड़ में वही ड्रामा चला फायदा। और इस थाने से मेरी ये शिकायत है, मेरे ऊपर बाकायदा 25 दिन का पर्चा दे देते हैं उसे टाइम, हालांकि नाजायज है। अगर मेरे बच्चों को कोई मार रहा कूट रहा, अगर हम 15 पे कॉल करते हैं फट पर्चा दे देते हैं, जिसको मैं चल के भी देने पड़ते हैं, और उसके बावजूद मैं गरीब इंसान हूँ, 10 बच्चे खाने वाले हैं, और उसके बावजूद मैं घर का काम करूँ, या एक मिसाल है कि घर बैठ रहूँ इनके पैरों के ऊपर या दुकान पे जाऊँ, 10 बच्चों का खतरा जात तकरीबन मैं 16-18 दिन हो गए, उसके बावजूद भी मैं ये पर्चा लेके आया। तो भाई के पास उसने कहा भाई को ना दे, नाराज हो जाएगा। उसके बावजूद ये भी देख लो, ये दो पर्चे फिर बाद में भी दरखास्त में लिखवा के लेके आया। वहाँ भाई ने जवाब दिया कि भाई नाराज हो जाएंगे, मगर मैं उसके बावजूद ये दरखास्त वहाँ से वापस लेके आया, मगर मेरे अमल दरामद कुछ भी नहीं करते थाने वाले के साथ। मेरी ये शिकायत है सिर्फ, नाराज भी नहीं होना, ये मेरे भाई हैं, दोस्त हैं। और दूसरी बात ये, मारने की धमकी देते और इनको पता है गालियाँ गलूच नहीं देते, इनके सामने देते हैं, कल भी इनके सामने मेरे बच्चों को मार भी रहे थे, कूट भी रहे थे। उसके बावजूद 15 पे डाला बुलाया, बाकायदा राणा साहब थे, राणा साहब ने बाकायदा उन्हें तो बुरा भला कहा, मरते भी गालियाँ देते मेरे घर वालों को, इतनी गालियाँ गलीज गालियाँ देखी जिसकी इंतहाई कोई नहीं, आखिर कर दी उन्होंने। उसके बावजूद ये पुलिस थाना कुछ भी नहीं करता, रब्बी आलमीन की कसम अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा शिकायत है इन थाने वाले से सारा दे, और हम कर ले हमारे साथ। और दूसरी बात, जो सभी पर्चे कराऊँ महमूद उस्मानी मेरा पर्चा ख़त्म करवा देता है, हालांकि उसका हक नहीं बनता। महमूद उस्मानी क्या ख्याल है कि इन पुलिस वालों को खर्चा देता है, यह एक मिसाल है, इनकी अखराजात वो पूरा करता है, हालांकि हुकूमत की तरफ से आ रहा मगर उसकी तरफ से नहीं आ रहा। उसके बावजूद भी मेरी ये शिकायत है किसी का कारनामा अंजाम न दे और किसी का पर्चा खारिज न करा जाए। दोनों पार्टियां लड़ती हैं, सुलह करने सुलह करने वास्ते कोई नहीं ऐसा जो तू सुलह करावा तू करा दे, मैं मंजूर है सुलह कराओ, हाँ सुलह कराओ, मगर 15 दिन के बाद फिर उसके बाद ही मेरे साथ वही काम करेंगे। इनका दोनों के आपस में आप दोनों के मुकदमा करते हैं, इनको बुला के इनकी सुलह करा दें और इनके पर्चे खत्म कर दें ताकि अच्छे तरीके से रह सकें। नेक्स्ट चलो भाई, ये तो फिर 15 पुलिस ने तो नहीं ना आपका दिया हुआ कि वो सुलह आपने करनी, लड़ाई आपने करनी, पुलिस का क्या कसूर है, ना लड़ो भाई, ना भेजो ना बच्चे, कंट्रोल करना अपने तो फिर लड़ी जाओ, जो जो लड़ेगा हम पर्चा देंगे हम भाई। अब सुलह एक दफ़ा करा देते हैं, दोनों को बुला के ना सुलह करा दें, ठीक है चलो जाओ ठीक, ये रहने दो ना बाकी भी दिलवाते हैं। चलो हाँ शुक्रिया, जा सकते हैं आप, सुलह नहीं करनी तो कार्रवाई करेंगे जिनके खिलाफ जो भी है। चलो कोई नहीं, शौक पूरा करें लड़के, कानून को हाथ में ले लें, अच्छी बात है कानून को हाथ में, ठीक चलो चलो आओ जी अभी।